हेलो दोस्तों, आप सबको सोई धागा विद भवानी में स्वागत है। मैं हूँ भवानी। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। मैंने धागे को 7 लेयर्स बना के गांठ भी डाल दिए है। 10 नंबर का नीडल लिया है मैंने। यहाँ पे अभी लेस के पीछे धागे को रख के सुई को पीछे डाल के धागे को बाहर लेके आऊँगी। बाहर लेके आने के बाद यहाँ पे एक लॉक या सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। ये बनने के बाद उसके बगल में ही और एक सिंगल क्रोशेट सिंगल क्रोशेट होने के बाद यहाँ पे चैन डालना है। 1, 2, 3 एंड 4। चार चैन होने के बाद कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। लॉक करने के बाद धागे को ऐसे हाथ में लेके एक बीड ले रही हूँ, राउंड बीड लेके बीड को लॉक करके धागे को मैं कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक कर दूंगी। लॉक या सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन डाल रही हूँ। 2, 3, 4। चार चेन होने के बाद कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। चार चेन भी ले सकते हैं या पांच चेन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बीड लेके बीड को लॉक करके कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करूँगी। लॉक होने के बाद अभी चेन डालना है। यही प्रोसीजर फॉलो करते जाना है एंड तक। कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। लॉक होने के बाद एक बीड लेना है। बीड लेके बीड को लॉक करना है। बीड को लॉक करने के बाद कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड दिखा रही हूँ। आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे वीडियो के राइट साइड में 3 डॉट दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद प्लेबैक करके ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके स्लो करके भी देख सकते हो। कपड़े के ऊपर लॉक कर दिया। यहाँ पे चार चेन डाल रही हूँ। चार चेन होने के बाद कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। वापस बीड, बीड को लेके बीड को लॉक करना है। उसके बाद में कपड़े के ऊपर लॉक करना है। वापस चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशेट या लॉक करना है। उसके बगल में ही मतलब स्टार्टिंग में कैसे हमने 2 लॉक किए थे ना, एंडिंग में भी 2 लॉक करना है। 2 लॉक बाद में 2 चेन डाल के कट करके लू लगा देना है। सेम धागा ले लिया है मैंने यहाँ पे, उसको नॉट डाल के कपड़े के पीछे रख के सुई को पीछे डाल के धागे को बाहर लेके आना है। आने के बाद एक लॉक या सिंगल क्रोशेट। उसके बाद में यहाँ पे मैं 3 चेन डाल रही हूँ। 3 चेन होने के बाद सुई के ऊपर धागे को लेके अभी चेन का ब्लॉक किए थे ना, उसके अंदर 2 में 1 बार करके डबल क्रोशेट बना लेना है। सुई के ऊपर धागे को लेके सुई को अंदर डाल के धागे को बाहर लेके आना है। 2 में 1 बार धागे को कर लेना है। अभी ये तीसरा डबल क्रोशेट है, 4th one। और एक डबल क्रोशेट, 2 में 1 बार धागे को लेना है। 2 में 1 बार धागे को लेना है। और एक सिंगल क्रोशेट डालना है यहाँ पे। यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट आ गया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं अभी चेन डालूँगी। 1, 2, 3। 3 चेन डालने के बाद सुई के ऊपर धागे को लेना है। नेक्स्ट चेन का ब्लॉक है ना, उसके अंदर सुई को पीछे डाल के धागे को बाहर लेके आना है। 2 में 1 बार, 2 में 1 बार धागे को कर लिया है मैंने अभी।
नेक्स्ट डबल क्रोशेट, थर्ड वन। स्टार्टिंग में मैं गैप नहीं दिया था यहाँ पे, बट यहाँ पे सेकेंड ब्लॉक में तीन डबल क्रोशेट होने के बाद तीन चैन डालना है। वापस सुई के ऊपर धागे को लेके उसके बगल में ही डबल क्रोशेट बना लेना है, मतलब आपको थोड़ा सा गैप दिखेगा। ओके, वापस सुई के ऊपर धागे को लेके दो में एक बार धागे को ले लिया है। अब ये सिक्स वन डबल क्रोशेट है, मतलब आपको फर्स्ट ब्लॉक में सिक्स चैन डालना है बस, लेकिन सेकेंड ब्लॉक में तीन डबल क्रोशेट, तीन चैन और तीन डबल क्रोशेट। ओके, अभी तीन चैन डाल के यहाँ पे थर्ड ब्लॉक में डबल क्रोशेट बना रही हूँ। दो डबल क्रोशेट हो गया है, अब ये तीसरा डबल क्रोशेट है। ये होने के बाद तीन चैन डाल रही हूँ यहाँ पे। तीन चैन डालने के बाद सुई के ऊपर धागे को लेके इसी ब्लॉक में और तीन डबल क्रोशेट डालना है, मतलब छः डबल क्रोशेट। ओके, फिफ्थ वन डबल क्रोशेट डाल रही हूँ यहाँ पे। अभी सिक्स वन डबल क्रोशेट है। बीड के नीचे अभी क्या करना है, तीन चैन डालना है। थोड़ा सा स्पीड दिखा रही हूँ, अभी ये कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी आपको। देखिए ये कंप्लीट हो गया है, एंड में आई हूँ अभी। स्टार्टिंग में हमने कैसे किया था वैसे ही एंड में करना है। लॉक के ऊपर यहाँ पे डबल क्रोशेट डाल रही हूँ। डालने के बाद यहाँ पे दो चैन लेके धागे को कट कर देना है। सुई को बाहर निकाल के थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा के यहाँ पे चिपका देंगे। ओके, इसका आगे का प्रोसीजर मैं दिखा दूँगी आपको। मैंने दूसरा कलर लिया है, उसको भी गार्ड डाल के कपड़े के पीछे रख के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ ये। अभी यहाँ पे एक लॉक कर दिया है मैंने, यहाँ पे चैन डाल रही हूँ, दो चैन हो गया। यहाँ पे एक लॉक करना है। ये लॉक होने के बाद हम डबल क्रोशेट बनाए थे ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक होल दिखेगा, उसके ऊपर अभी सिंगल क्रोशेट या लॉक करना है। लॉक करने के बाद अभी आपको एक बीड के नीचे यहाँ पे दो लॉक करना है। दो लॉक होने के बाद सुई के ऊपर धागे को लेके यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है ना, वहाँ पे हमको डबल क्रोशेट बनाना है। एक डबल क्रोशेट हो गया है, सेकेंड डबल क्रोशेट, दो में एक बार धागे को ले लिया है। थर्ड वन, इस गैप में हमको कितना डबल क्रोशेट आता है उतना ही डालना है। मैंने यहाँ पे पहले छः चैन डाल के यहाँ पे एक बीड डालूँगी, धागे को ऐसे पकड़ के छोटा सा एक बीड लूँगी। बीड लेके धागे में ट्रांसफ़र करके सुई के ऊपर धागे को लेके उसी ब्लॉक में यहाँ पे छः डबल क्रोशेट किया था। नेक्स्ट बीड डालने के बाद नेक्स्ट डबल छः डबल क्रोशेट डालना है। ओके, अभी ये सेकेंड वन, बीड होने के बाद सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड आल्सो सिक्स। अभी ये आर्च कंप्लीट हो गया है। छः डबल क्रोशेट बीड के पहले, छः डबल क्रोशेट बीड के बाद। अभी बीड के नीचे दो लॉक करना है, लॉक या सिंगल क्रोशेट, एक हो गया है। अभी ये दूसरा लॉक, सुई के ऊपर धागे को लेके दो में एक बार धागे को ले लिया है। सुई के ऊपर वापस धागे को लेके डबल क्रोशेट बना लिया है मैंने, टू डबल क्रोशेट। अभी ये तीसरा डबल क्रोशेट है,
फोर्थ, ये फिफ्थ डबल क्रोशेट है, ये होने के बाद यहाँ पे और एक बीड लूँगी। अभी बीड लेने के बाद वापस क्या करूँगी, डबल क्रोशेट, छः डबल क्रोशेट बीड और छः डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट हो गया है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट सुई के ऊपर धागे को लेके दो में एक पर धागे को ले लिया है। थोड़ा आप ट्राई करके देखिए, ये डिज़ाइन बहुत इजी है। धागे को ले लिया है मैंने। अभी बीड के नीचे यहाँ पे टू सिंगल क्रोशेट कर लूँगी। दो सिंगल क्रोशेट होने के बाद देखिए ये डिज़ाइन कितना क्यूट दिख रहा है। ये दोनों होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये दोनों हो गया है। अभी स्टार्टिंग में कैसे हम लॉक करके आए थे ना, वैसे ही एंडिंग में भी लॉक करते करते जाना है। लॉक या सिंगल क्रोशेट, यहाँ पे लॉक हो गया है। अभी सुई के ऊपर धागे को लेके अभी नीचे लॉक था ना उसके ऊपर ही डबल क्रोशेट बना के दो चैन डाल के यहाँ पे देख मैं धागे को कट कर लूँगी। धागे को खींच के थोड़ा सा ग्लू लगा के चिपका देना है। उसके बाद में दो आर्च के बाद कुच्चू डाल दूँगी। देखिए कुच्चू होने के बाद ऐसे दिख रहा है, कुच्चू दो आर्च, कुच्चू दो आर्च, कुच्चू ऐसा किया है। आप चाहे तो एक एक कुच्चू एक आर्च ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल में कोई पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कीजिए। थैंक यू।